Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you will be all fine. Student, now we are going to do our English. So hurriedly open your books and come to page number 48. Students, कल हमने poem की reading की थी. हमारी poem थी बहुत ही प्यारी थी, जिसका name था From a Railway Carriage. From a Railway Carriage. आज हम उसकी exercise कर लेते हैं. ये आपकी question answer है. ये हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे. नीचे देखें. मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन द पोएम दैट डिस्क्राइब मूवमेंट. जो मूवमेंट जो डिस्क्राइब हो रहे हैं पोएम में, वो आपके कौन कौन से निकाल मैंने बोला था. जैसे फास्टर, ये भी मूवमेंट था आपका, ठीक है. उसके साथ क्रैम्पल्स, ये भी मूवमेंट था. क्रैम्पल्स भी मूवमेंट था. ये लंपिंग भी आपका मूवमेंट था. फ्लाई करना भी मूवमेंट था. चार्जिंग भी आपका मूवमेंट था. आप उसे मूवमेंट भी ढूंढ सकते हैं इजीली, जैसे अंडरलाइन कर लेना. उसके बाद एक और लिस्ट बनाया जिसमें आपने लिखना है साउंड, कौन कौन से साउंड की आवाज़ें आपको आई हैं. उसमें कौन सा ड्राइविंग वैन, जब बारिश नीचे उतरती है उसकी कौन सी वॉइस होती है, जब विसल जब करता है उसके तो उसकी कौन सी वॉइस होती है. ये तो आप खुद से कर लेना, बहुत ही दिन जैसे आपने इनको अंडरलाइन करना है. नीचे स्टूडेंट्स देखें, आपने इसके करनी है एब्रीविएशन. एब्रीविएशन होता है जैसे हम लिखते हैं ना साइंस वैली, तो एस वी जस्ट डाल दें तो साइंस वैली की एब्रीविएशन है एस वी. तो आपने मिसेज की लिखनी है, मिस्टर की, बी बी सी, बी सी, ए डी, ई डब्ल्यू एस, एन के जी, इन. इनकी आप नोटबुक पे करेंगे तो बहुत टास्क लगेगा. यही हम नोटबुक पे ही कर लेते हैं. मिसेज ये यूज़ होता है जैसे हम बोलते हैं ना मिस अलीना, मिस तैयबा, मिस फातमा, मिस ऐसे कुछ टीचर्स के नेम लेते हैं, ठीक है. तो मिस बोलते हैं अनमैरिड जो होंगे, ठीक है, मिस उनको. जब वाइफ बन जाती, जब मैरिड हो जाएँ तो मिसेज आ जाता है, तो ठीक है. तो उसमें आ जाएगा मिस नाजिया हो जाएगा, मिसेज आ जाएंगी, और आपकी जो है मिसेज नुसरत हो जाएंगी, मिसेज अदीला. ऐसे जो मैरिड होंगी उनके हम नेम के साथ आर एस लगाते हैं. जो अनमैरिड होंगी उनको हम जस्ट बोलेंगे एम आई एस डबल एस, मिस. अनमैरिड के लिए मिस, और जब होंगी मैरिड उनके लिए होगी मिसेज अदीला, मिसेज नुसरत, मिसेज नाजिया. जितनी भी आपके टीचर्स हैं उनकी जो मैरिड हैं उनके साथ एम आर एस लगेगी. बहुत पहले ज़माने की बात है, उसको पहले पूरा प्रॉपर लिखते थे एम आई डबल एस यू एस, मिसेस, एम आई डबल एस यू एस, मिसेस, ठीक है. लेकिन अभी बहुत कम इसको, बहुत कम क्या कहते हैं, 16th century से उसके बाद तो इसको लिखा भी नहीं जाता एम यू, एम आई डबल एस यू एस, मिसेस. इसमें देखा होगा कि आपने एब्रिवेशन, जैसे साइंस वैली की मैंने एब्रिवेशन बोली कि आपको एस वी, एस से साइंस, वी से वैली, दोनों वर्ड्स आ रहे हैं. इसमें आर कहीं भी नहीं आया, लेकिन इसको कहीं इस लोग इसको कहते हैं मिस्ट्रेस भी, एम आई एस मिस टी आर ई डबल एस. तो ये कहीं के लोग कहते हैं कि मिस्ट्रेस की भी एब्रिवेशन है, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो मिसेस की है, क्योंकि इसमें आर नहीं आता, लेकिन वो खुद लिख से लिखते हैं मिस्टर. एग्जैक्ट मिस्टर ही रहेगा, एम आई एस मिस टी ई आर, मिस्टर. हाँ जी, बी बी सी, बी बी सी हम कह रहे हैं बी बी सी न्यूज़, बी बी सी लंदन न्यूज़, ये वो. तो ये न्यूज़ है ब्रिटिश की, बहुत ही फेमस. तो बी से बन जाएगा आपका ब्रिटिश, बी आर आई टी आई एस एच, ब्रिटिश. नेक्स्ट बी से बन जाएगा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, बी आर ओ ए डी ब्रॉडकास्टिंग, सी ए एस टी आई एन जी ब्रॉडकास्टिंग. सी से कॉरपोरेशन, सी ओ आर कॉर पी ओ आर ए टी आई ओ एन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ठीक है. बी बी सी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन. बी सी, बी सी बिफोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो पहले का ज़माना था उसको बोलते थे बिफोर क्राइस्ट. जब आप रज़ी अल्लाह ताला नहीं आए थे, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट. बी से बिफोर, सी से क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट. ए डी, जब उनकी डेथ होगी, आफ्टर डेथ. ए डी से क्या है, आफ्टर डेथ. जब कोई बात बताते ना, हम कहते हैं ना उर्दू में बोलते हैं ईसवी, इतनी ईसवी में ईसा अलैहिस्सलाम के, ठीक है, कबल अज मसीह उर्दू में बोलते हैं, कबल अज मसीह ईसा से पहले, उसको उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट. और हम बोलते हैं कि ईसवी, कि जब आप सॉरी आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद को बोलते हैं आफ्टर डेथ, ए डी वो होगा. नेक्स्ट देखें, सिंगल ई है. हम कहते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वो ई किसका है आपका, ईस्ट का, ई ए एस टी, ईस्ट. वेस्ट डब्ल्यू बहुत ईजी है, आपको खुद से मिल जाएगा डब्ल्यू ई एस टी, वेस्ट. ईस्ट वेस्ट, एस से साउथ, एस ओ यू टी एच, साउथ. आपको मेरी स्पेलिंग क्लियर है, मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ. एन से नॉर्थ, एन ओ आर टी एच, नॉर्थ. के जी, ये तो बहुत ईजी है, तो आप खुद से लिख लेना. कहते हैं 1 kg चिकन ले आए, 1 kg ये कर लें, किलोग्राम, जी आर ए एम, ग्राम, के आई एल ओ, किलोग्राम. आई एन इन, कहते हैं ये इतने इंच स्केल में 12 इंच होते हैं, ये वो. आई एन से क्या बनेगा, आई एन सी एच, इंच.
एम, सिंगल एम है, एम मेगा भी यूज होता है, और एम जो रोमन काउंटिंग में थाउजेंड बी को भी कहते हैं, वो भी आप एम से थाउजेंड बी से लिख सकते हैं, और एम से आप लिखेंगे मेगा, एम ई जी ए मेगा, एम मिलियन के लिए भी होता है, ठीक है। तो इसके तीन चार बन जाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगी मेरी राइटिंग। आज आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है कि आपने इसकी एब्रीविएशन लर्न करनी है, लिखनी तो है ही है, लेकिन आपने साथ इसको लर्न भी करना है। आई होप ये आपको क्लियर हो और आप इसको ईजीली कर भी लें। सो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।